अच्छा जी ओके रहीम टुडे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रेडिशनल करियर स्टेजेस सो देयर आर फाइव करियर स्टेजेस ठीक है uh, जो हम अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके एक्सप्लोरेशन देन स्टैब्लिशमेंट देन मिड करियर करियर और लेट करियर और डिक्लाइन ठीक है सो फाइव करियर स्टेजेस क्या क्या होते हैं पहले को एक्सप्लोरेशन बोलते हैं दूसरे को स्टैब्लिशमेंट देन मिड करियर और लेट करियर और डिक्लाइन सो लेट्स डिस्कस एक्सप्लोरेशन है जैसे कि नाम से जाहिर है फर्स्ट स्टेज है करियर का. जैसे समझ लें कि आप जैसे आ, आ, होते हैं आ, फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं तो आप क्या करते हैं आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ये कौन लोग होते हैं इंक्लूड स्कूल एंड अर्ली वर्क एक्सपीरियंसिस सच एज इंटर्नशिप एटसेकट्रा ठीक है ना यानी आपने ग्रेजुएशन की या इवन बाज़ लोग ट्वेल्थ ग्रेड के बाद जॉब स्टार्ट कर देते हैं तो वो जो पहले पहला साल कह लें पहले पहले छः महीने साल तो ये आपका एक्सप्लोरेशन फ़ेज़ होता है यू जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर सो वट यू डू ट्राइंग आउट डिफरेंट फील्ड्स आप एक फ़ील्ड में जाते हैं साल छः महीने काम किया फिर कहीं और चले गए कहीं और जॉब मिल गई तो ये बिल्कुल वो अर्ली स्टेजेस होते हैं जिसमें अभी तक आम तौर पर एक बंदे ने या एक स्टूडेंट ने या एक प्रोफेशनल ने अभी तक करियर की सही सिलेक्शन नहीं की होती यू डिस्कवर्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्योंकि अभी तक आपको बहुत सारी चीजों के बारे में इल्म नहीं होता तो क्या होता है कि आप डिस्कवर कर रहे होते आपने सेल्स में गए जैसे मैंने अपने करियर का आगाज टीचिंग से जब किया तो जब मैं पढ़ रहा था बेसिकली तो ड्यूरिंग दी uh, क्या कहते हैं मतलब ग्रेजुएशन मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी जब मैं ग्रेजुएशन uh, कर चुका तो फिर मैंने क्या किया कि uh, दो बीच में मास्टर में ग्रेजुएशन में जो टाइम होता है तो मैंने उसमें सेल्स का काम शुरू किया तो सेल्स के जो एक दो तीन महीने मैंने काम किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये मैं काम ये काम मैं नहीं कर सकता या ये मेरे करने का नहीं है या मुझे मेरी तबीयत का नहीं है सो यू वॉट आई वॉज डूइंग बेसिकली आई वॉज डिस्कवरिंग माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स तो आप एक प्रोफेशन में जाते हैं फिर वहाँ आपको पता लगता है नहीं यार ये तो बड़ा मुश्किल है या ये इस तरह से होता है और मैं तो

तो एकदम से आपने वो वर्क रिलेशनशिप डेवलप करना शुरू uh, uh, करियर का आगाज किया था तो शुरू शुरू में कैसी फीलिंग जगह पे, की, फिर वहां पे दो चार महीने गुजारे किसी और जगह चले गए तो ये वो फेज होता है इंपॉर्टेंट बात जो बता रहा हूँ हमने बींगर कैसे इसको देखना है हम इस तरह के लोगों को इतना ज्यादा क्या करते हैं इतनी ज्यादा हम उन पर तो नहीं देते क्योंकि आप उनको बहुत सिखाने की आगे पीछे करने की कोशिश करेंगे अभी वो तजर्बों की जिंदगी में अभी तजर्बे के मोड में है वो आपके साथ हो सकता है दो चार छह माह बाद यहाँ से चला जाए तो इसलिए उसको इतना ज्यादा हम फोकस नहीं करते देन कम दी दैब्लिशमेंट ठीक है इस्टेब्लिशमेंट में क्या अब आहिस्ता आहिस्ता बंदा जो है वो यू कह लें साल दो साल तीन साल उसको हो गए हैं तो अब वो आहिस्ता आता अपने आप को इस्टेब्लिश करने के चक्रों में सर्चिंग फॉर द वर्क वो प्रॉपर प्रोफेशन में आ रहा है गेटिंग फर्स्ट जॉब गेटिंग एविडेंस ऑफ सक्सेस और फेलियर आर सक् में फर्क पता लग रहा है ठीक है इसके अंदर इसमें इस, इस वक्त अब वो आज अपने लिए नीच टू नीच क्या होती है कि मैं किस काम में एक्सेल कर लू यानी कौन से सिचुएशन में किस करियर में किस प्रोफेशन में मैं जाऊँ तो फिर मुझे ज्यादा फायदा होगा ठीक है या मैं एक्सेल कर सकता हूँ तो वो इस वक्त कोशिश कर रहा है एनर्जी लगा रहा है टाइम लगा रहा होता है अपने लिए वो करियर का वो जो सीढ़ी है वो ढूंढ लेके यार इस सीढ़ी को मैं पकड़ लूँ तो मैं आगे जा सकता हूँ टीचिंग में सेल्स में मार्केटिंग में एच में फाइनेंस में प्रोडक्शन में ठीक है ना इंजीनियरिंग में, में मेडिकल में कहीं भी तो वो अपना इसको ढूंढ रहा होता है देन कम्स दी मिड करियर मिड करियर इस वक्त आप में से कुछ लोग मिड करियर में होंगे यानी आठ दस साल हो गए उनको जॉब करते करते मुख्त इधारों में काम कर चुके हैं तो ये अब मिड करियर आ गए ठीक है कंटिन्यू टू ग्रो सीकिंग इनक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी किसी हद हाँ तक थोड़े बहुत मैनेजमेंट की जॉब पे पहुंच गए होंगे कोई असिस्टेंट मैनेजर सेल्स होगा कोई मैनेजर अकाउंट्स होगा कोई इस तरह से तो अब मिड मैनेजमेंट में लोअर मैनेजमेंट में इस एरिया में भी वो काम करें आठ दस साल जो समझ लें अंदाजन इसमें क्या होता है प्लेटो सेटिस्फाइड विद द रोल इन ऑर्गेनाइजेशन तो प्लेटो समझ लें आपने इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लेटो को हम ये कहते हैं जैसे मिसाल के तौर पे हम इस तरह इसको डि कर लें तो शुरू में इस तरह इस तरह था बहुत ज़्यादा आपको पता लगा और आप देखें तो अब ऐसा 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 तो ये तकरीबन स्ट्रेट जा रही है चीज़ ठीक है ना तो ये जो होता है ना ये इसको प्लेटो बोलते हैं जो तकरीबन अब आप कहते हैं यार बस मुझे ऐसा ऐसा सेटल हो जाना चाहिए ठीक है ना और या फिर क्या होता है डिटोरिएट लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी तो इसका दूसरा जो अः फेज हो सकता है वो ये हो सकता है कि यार वो कहते हैं यार आठ दस साल हो गए हैं लगा हुआ और जो है वो आठ दस साल से काम कर रहा हूँ लेकिन कोई समझ नहीं आ रही किस प्रोफेशन में जाऊँ तो कोई सेटल नहीं हो पा रहा कोई ग्रोथ नहीं हो रही किसी को बड़ी कंपनी में नौकरी नहीं मिल रही तो फिर उसका इंटरेस्ट और प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू है तो ये दो तीन चीज़ें इसमें हो सकती हैं या तो वो ग्रो कर रहा होगा आप देखेंगे आपने देखे कुछ लोग बड़े आठ दस साल के अंदर बहुत ऊपर पहुँच जाते हैं तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं उनको लगता है यार बस इसके बाद ये ये कि बस इसके बाद ये और ये कुछ लोग बस स्टेटिक हो जाते हैं जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं बस वो लगे हैं बस ठीक है यार एक तरीके बस लगे हैं ऐसा दस साल बाद अगले ग्रेड में कन्वर्ट हो जाऊंगा और कुछ लोग होते हैं डिटोरिएट हो जाते हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहे होते तो फिर वो कहते हैं बस मुझे नौकरी करनी ही नहीं है बस मुझे बिजनेस कर लेना है मैं ये कर लूंगा बस छोड़ो दफा करो फला मिड करियर में ये होता है तो ऑर्गेनाइजेशन इनको भी बड़े इससे तो देख रही होती है कि यार ये इनमें से हमारे पास मिड करियर वाले कौन से हैं और कौन से इस फेज में हैं जिसको हमने टारगेट करना है कंटिन्यू टू ग्रो वाले जो डिटोर प्लेटो में जा रहे होते हैं इनको हम इतना फोकस नहीं करते क्योंकि ये वो लोग हैं जो डीमोटिवेटेड से हैं फिर लेट करियर लेट करियर मीन अब आप सीनियर हो गए हैं पंद्रह बीस साल हो गए आपको काम करते करते पच्चीस साल हो गए बीस साल हो गए ये लेट करियर है सक्सेसफुल करियर वर्कर्स विद सीनियरिटी कैन एंजॉय बींग रिस्पेक्टेड फॉर देयर जजमेंट गुड रिसोर्स फॉर टीचिंग अदर राइट अब ये वो लोग हैं जो सीनियर हैं सीनियर मैनेजर सेल्स सीनियर मैनेजर अकाउंटेंट सीनियर टीचर प्रोफेसर ठीक है ना इस तरह के लोग अब ये इनकी एक एक मार्केट में एक रिस्पेक्ट बन चुकी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक रिस्पेक्टेबल पोजिशन पे हैं ठीक है एंड दोज हैव डिक्लाइंड मे जॉब आ रहे तो जो कामयाब हो रहे हैं वो उनका एक रिस्पेक्टेबल नाम बन जाता है, एक बन जाती है उनकी जजमेंट उनकी वैल्यू उनकी अथेंटिसिटी बन जाती है और वो आगे लोगों को सिखाने के लिए जूनियर को अपडेट अपग्रेड करने के लिए काम करते और जो दूसरे थे प्लेटो वाले और डिटोरीट वाले वो इस तरह, तरह इनसिक्योर हो रहे थे क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं अब हमें और कुछ निकाल देगी क्योंकि हम उतनी दौड़ नहीं लगा सकते वगैरह वगैरह अगेन इज एक्सपेक्टेड प्लेटोक्टेड लोग यहाँ पे आके प्लेटो में आ जाते हैं यानी स्ट्रेट हो जाते हैं यार बीस साल हो गए हैं पंद्रह साल अब हमने कहाँ जाना है यार बस जो दिन गुजर रहा है बस ठीक है आपने देखा होगा ऐसे लोग बहुत बात करते हैं तो इस एज में प्लेटो बहुत कॉमन हो जाती है क्योंकि वो एनर्जी नहीं होती आमतौर पर बस वो दिन गुजारते हैं टाइम गुजार रहे होते हैं लोग तो लाइफ ऑफ द जब एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट यानी क्या एनर्जी डायरेक्टेड टू वर्क आर नाउ बी री डायरेक्टेड टू फैमिली फ्रेंड्स एंड हॉबीज यानी एक जमाना था जब उन्होंने मेहनत शुरू की थी और बड़े सक्सेस और बड़ी ग्रोथ और बड़ा हार्डवर्क किया करते थे पांच साल आठ साल दस साल किए बारह साल अब वो पंद्रह बीस साल हो गए हैं अब वो कहते हैं यार बस बच्चे हैं हमें कुछ अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए सारी जिंदगी काम ही करते रहे ये वो तो वो प्लेटों में आ जाते हैं तो बाद लोग मिड में आ जाते हैं बाज लोग लेट करियर में प्लेटरिंग में आ जाते हैं ठीक है तो बहरहाल ये मुख्य स्टेजेज हैं तो ऑर्गेनाइजेशन एच आर वाले इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि जी हमारे पास जो आ, लेट करियर में लोग हैं तो उनमें से कौन किस कैटेगरी में आया तो हमारी कोशिश होती है कि हम इन कैटेगरी वाले लोगों को ज्यादा फोकस करते हैं एच आर वाले ठीक है एंड द लास्ट इज देन डिक्लाइन मीन्स नाव यू आर गोइंग टू बी लेड ऑफ राइट मे बी मोस्ट डिफिकल्ट फॉर दोज हुर मोस्ट सक्सेसफुल इन अर्लियर स्टेज अब आहिस्त आहिस्ता डिक्लाइन है ना सेहत हो रही ना जहानत हो रही ना आप उस तरह से भाग दौड़ कर सकते हैं तो आहिस्ता ये जिसे कहते हैं पचपन अट्ठावन साल साठ साल की उम्र वाला टाइम स्पेंड टू डेज लॉन्गर्स लाइफ स्पैंड एंड लीगल प्रोटेक्शन फॉर द ओल्ड वर्कर्स ओपन द पॉसिबिलिटी फॉर कंटिन्यूड वर्क कॉन्ट्रीब्यूशन ईधर पे इधर अच्छा ये तो हर पाकिस्तान में भी है बाहर भी ज्यादा है कॉमन है कि यानी रिटायरमेंट के बाद भी आप दूसरी जॉब कर रहे होते हैं अभी भी आपने देखा बहुत सारे लोग जो हैं वो एक सरकारी इदारे से रिटायर हो जाते हैं फिर दोबारा जॉब पे लग जाते हैं यानी पचपन अट्ठावन साठ साल में रिटायर होकर फिर लग जाते हैं फिर आठ दस साल जॉब कहीं और कर लेते तो वो पेड होती हैं मोस्टली वॉल्टियर तो, तो हमारे यहाँ कम ही कोई काम करता है लेकिन बाहर बहर वॉल्टियर भी लोग काम करते हैं हमारी एक बड़ी अच्छी जानने वाली कंट्री हैं तो वो यू एस में वो पिछले बीस पच्चीस साल से जो है वो हॉस्पिटल में वॉल्टियर कर रही हैं मतलब सुबह जॉब करती हैं और हफ्ते में दो दिन या तीन दिन वो हॉस्पिटल में जॉब करती हैं एज ए वॉलेंटियर कोई पैसे नहीं लेती तो बहरहाल हमारे यहाँ यहाँ थोड़ा सा कम है रिवाज इसका लेकिन बहरहाल ये भी एक चीज़ है डिक्लाइन सो so, डिक्लाइन मीन्स फर्स्टों में जैसे कहते हैं श्वेतोशी नो विशतोषी लाइक बस नाउ इट्स ओवर सो ऑर्गेनाइजेशन अपनी एच आर वाले ये भी देख रहे होते हैं कि ये अभी बाज़ा बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक बड़े सीनियर बंदे को ऑर्गेनाइजेशन से ले ऑफ करना बिकॉज ऑफ यू नो दैट वो अभी नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे सो so ये वो पांच छह स्टेजेस हैं जिसके पांच स्टेजेस हैं जिसमें आम तौर पर एक एम्प्लॉँ गुजरता है